हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड दीपक कालरा एंड यू आर वाचिंग कैनेडियन वाइब्स। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने लिए करियर प्रोस्पेक्ट एंड एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं टू स्टडी फर्दर। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप पर्टिकुलरली अपने लिए एक सिटी चूज कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड। चूजिंग ए सिटी लिटिल बिट टफ जॉब है बिकॉज इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बता दूं कि मैं कैलगरी में रहता हूं एंड आई एम परस्यूइंग माय मास्टर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने कैलगरी ऑप्शन क्यों चूज किया। तो प्रोबेबली अगर आप भी ब्रैम्पटन, सरी, वैंकूवर, टोरंटो, इन सब चार पांच बड़ी सिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से दैट कि आपकी शायद चॉइस रॉन्ग हो सकती है बिकॉज कैनेडा इज़ फार बियॉन्ड दीज सिटीज़। एंड शायद आप कंफर्टेबल हैं इन सिटीज़ में जाने के लिए बिकॉज आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड इन सिटीज़ में रहता है या आपने अपना रिसर्च पूरा नहीं किया है। तो अपने लिए एक सिटी चूज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है करियर और जॉब प्रोस्पेक्ट। तो अगर आपने मेरी करियर प्रोस्पेक्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कैसे आप अपने लिए करियर प्रोस्पेक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आपको कैनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल डिटेल्स मिलती हैं, ऑफिशियल नंबर्स आपको मिलते हैं। बट करियर और जॉब प्रोस्पेक्ट चूज करना इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ वेबसाइट बिकॉज इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है। जब मैं अपने लिए सिटी एंड करियर प्रोस्पेक्ट चूज कर रहा था तो मैंने बहुत सारे अपनी यूनिवर्सिटी पीयर्स को मैसेजेस लिखे थे, प्रोफेसर से बात करने की कोशिश की थी कि मैं ये प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो आपका क्या प्रोस्पेक्ट है वहाँ पे कैनेडा में या उस पर्टिकुलर सिटी में या कैलगरी में आने के बाद मुझे जॉब मिल पाएगी क्या, कैसा की मार्केट आज की डेट में। तो ये सब आपको करना पड़ता है बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे डिपेंड हो जाते हैं तो देन यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। इट इज बेटर टू टॉक टू पीपल बिकॉज यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको एक एनालिटिक्स से एक डाटा देता है, जो जनरल आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो लोगों से मिलता है बिकॉज लोग जो पास आउट हो रहे हैं या यूनिवर्सिटी पीयर्स हैं वो आप रियलिटी में बताएंगे कि आप पास आउट करने के बाद आपको जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो नेक्स्ट आता है पीआर, जो बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज कनाडा आते हैं तो लोगों के मन में रहता है कि कैसे ना कैसे पीआर तो मिल ही जाए यार। तो जो आपने करियर प्रोस्पेक्ट चूज़ किया उसको करने के बाद आपको पीआर मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी बिकॉज आपका उतना सीआर स्कोर बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर आपका सीआर स्कोर ही कम हो रहा है तो आपको वहाँ पे पीआर कैसे मिलेंगे, तो फिर आपको पर्टिकुलरली किसी और सिटी में मूव होना पड़ेगा। सी आई नो कि कनाडा आने के बाद सब कुछ मैनेज हो जाता है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, सब मैनेज हो रहा है। तो अगर आप आ ही रहे हैं तो आप पर्टिकुलर उसी सिटी में क्यों नहीं जाएंगे कि जहां आपको पीआर भी मिल जाए और आपका करियर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा हो। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने से इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज इंस्टीट्यूशन। तो मेरी जो करियर प्रोस्पेक्ट वाली वीडियो है उसमें मैंने ये भी बताया था कि आप जिस करियर प्रोस्पेक्ट को चूज कर रहे हैं उस पर करियर प्रोस्पेक्ट में आप अपने लिए इंस्टीट्यूशन कैसे चूज कर सकते हैं। लेट अस से आपने एक लिस्ट बना ली, आपने नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट कर लिए। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने के लिए आपको दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं। वो है, सबसे पहला फैक्टर है आपके पास में कि आपके कोर्स में जो आपने कोर्स या आपने करियर प्रोस्पेक्ट चूज किया उसमें स्केड्यूल ब्रेक है या नहीं है। दूसरा फैक्टर आता है कोऑप का। तो जितनी ज्यादा आपके पास स्केड्यूल ब्रेक होंगी उतना ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है फुल टाइम जॉब करने के बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में ये रहता है कि मैं पहले और दूसरे सेमेस्टर की फीस तो वहां से देके आ जाऊंगा एंड यहाँ आने के बाद थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की फीस मैं अपने आप से अर्न करके दूंगा। तो आप अर्न जब कर पाएंगे जितनी ज्यादा यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर पाएंगे बिकॉज इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी हेयर बिकॉज पार्ट टाइम से आपके माइंड में ऐसा रहे कि पार्ट टाइम जॉब करके आप अपनी यूनिवर्सिटी फी अर्न कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सिटी फी अर्न करते हैं वो स्केड्यूल ब्रेक्स में ही अर्न करते हैं बिकॉज यू ऑलवेज गेट स्केड्यूल ब्रेक ऑफ फोर मंथ्स जिसमें आप ज़्यादा टाइम काम करके अपनी यूनिवर्सिटी फीस निकालते हैं। कोऑप का फायदा ये है कि कोऑप में आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है, आप अपने लिंक्स बनाते हैं और इवन कोऑप में काम करने के टाइम में आपको यूनिवर्सिटी को फीस भी नहीं देनी पड़ती है जिससे आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं इज लिविंग एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। टैक्सेस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको इतना रोल प्ले नहीं करता है बट लिविंग एक्सपेंसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल यू कम टू कनाडा। अगर आप अपने माइंड में ये सोच के आ रहे हैं कि आप अपनी लास्ट टू सेमेस्टर की फीस यहाँ पे अर्न करके निकालेंगे एंड यू आर गोइंग टू ए सिटी लाइक ब्रैम्पटन, सरी और वैंकूवर, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वैंकूवर में जो आप रेंट देंगे इट विल बी नियरली अबाउट $1,100 और मैं जो कैलगरी में रेंट देता हूँ या मेरे जो फ्रेंड्स देते हैं इट इज़ नियरली टू $450। तो कौन सा आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है? अगर आप $1,100 आप रेंट ही दे देंगे आपकी अर्निंग्स से तो आप अल्टीमेटली अपने लिए सेव कैसे करेंगे और सेव करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कैसे भरेंगे?
तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड जो बात टैक्सेस की मैं कर रहा था कि जैसे मैं अल्बर्टा में रहता हूँ, अल्बर्टा में जनरली GST टैक्स रहता है. उसके अलावा ऐसी प्रोविंसेस हैं जैसे ऑन्टेरियो है या आपका BC है जहाँ आपको PST, GST, HST तीनों टैक्सेस देने पड़ते हैं, जहाँ आपके टैक्सेस मिला के 15% हो जाते हैं, जिससे आपकी चीज़ें भी उतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं. तो आपका, मैं एक रफ कंपैरिजन बोलूँ, जो मैं ग्रोसरी लेता हूँ यहाँ पे, इट नियरली रीचेस $200, और वहाँ आप अगर आप सेम ग्रोसरी आप परचेज करेंगे, इट विल गो अप टू नियरली $250 or $300. तो ये आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ जाता है. अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैलगरी क्यों चूज़ किया इन चारों फैक्टर्स के बेस पे जो मैंने आपको अभी बताए हैं. तो सबसे पहला है करियर प्रोस्पेक्ट. तो मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में जॉब कर रहा था बिफोर कमिंग टू कैनेडा, एंड आई वॉज वर्किंग एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर. तो मुझे था कि मैं अगर कैलगरी जाऊँगा, कैलगरी पास में फोर्ट मैकमरी है जहाँ पे ऑयल एंड गैस का पूरा काम चलता है कैनेडा का, तो अगर मुझे वहाँ जॉब मिलेगी एंड आई कैन वर्क इन सम ऑयल एंड गैस सेक्टर एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर और कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर, आई कैन यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस टू गेट ए जॉब. तो मेरे लिए ये एक फैक्टर जो मैंने चूज़ किया था. सेकेंडरी चीज़ आती है PR के लिए. PR के लिए मैंने जब वाइल आई वाज सर्चिंग फॉर यूनिवर्सिटीज़, तो आई केम टू नो अक्रॉस ऑल द प्रोविंसेस दैट अल्बर्टा से आप अगर आप मास्टर्स करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर PNP. अगर आपके पास जॉब है ना, आप PNP के लिए अप्लाई करें तो यू विल गेट PR इमीडिएटली. तो ये एक फैक्टर था जो मैंने कंपेयर किया कैलगरी आने के लिए. थर्ड फैक्टर था इंस्टीट्यूशन. तो जब मैं अपने लिए सर्च कर रहा था तो मैंने जब चेक किया था, तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ में था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया. तो फॉर्चुनेटली मेरे को तीनों यूनिवर्सिटीज से ऑफर लेटर आ गया था. बट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी क्यों चूज़ किया इन बाकी दो यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी. जहां मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी को $22,000 पे कर रहा हूं, वहां मुझे उन्हें $42,000 पे करने थे और मुझे स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही थी. बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर सम स्कॉलरशिप की जहाँ मेरी फीस कम हो ही जाए. इसके यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा मैंने इसलिए चूज़ नहीं किया बिकॉज इतने भी सारे पर्टिकुलरली हब्स एंड ऑफिस हैं वो कैलगरी हैं, नॉट इन एडमंटन. तो इसलिए मैंने एडमंटन चूज़ नहीं किया. तो कैलगरी मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज कैलगरी में एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में फ़ीस कम थी, दूसरी मुझे स्कॉलरशिप मिली आने के टाइम पे. तो उसके बाद मैंने एक और स्कॉलरशिप मिली, अप्लाई की, जो बाद में मुझे $2,200 की स्कॉलरशिप और मिली. तो दीज वर द फैक्टर्स विच आई कंपेयर्ड वाइल चूजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी. एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था यूनिवर्सिटी की फीस. यूनिवर्सिटी की एक तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ऊपर से इसकी फीस भी कम थी बाकी दोनों यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन. फोर्थ जो फाइनल फैक्टर आता है लिविंग एक्सपेंसेस. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैलगरी में लिविंग एक्सपेंसेस, पर्टिकुलरली अल्बर्टा में लिविंग एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू BC एंड ऑन्टेरियो बहुत कम है. यहाँ पे आपको एक रूम मिल जाता है, एक पर्टिकुलर सेपरेट रूम मिल जाता है $400 to $500 में, जो आपको ब्रैम्पटन या किसी पर्टिकुलर बड़ी सिटी में देने के लिए $1,000 देने पड़ते हैं. उसके अलावा यहाँ पे टैक्सेस भी कम है, जो विच मेक्स इट लिटल बिट लेस एक्सपेंसिव देन अदर सिटीज़. मोरएवर कैलगरी से अगर मुझे बैंफ जाना हो या किसी और जगह घूमना हो, वाटरटन, जैस्पर, दिस ऑल द लोकेशंस आर वेरी नियर. एंड कैलगरी की कनेक्टिविटी पूरे कैनेडा से बहुत अच्छी है, आप कहीं भी यहाँ से जा सकते हैं 1.5 घंटे की फ्लाइट के टाइम पे. तो मैंने ये सब फैक्टर्स का कंपेयर करके अपने लिए एक सिटी चूज़ की, जो आप भी अपने लिए कर सकते हैं. मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो हैव अ थोरो रिसर्च एंड जस्ट चूज अ सिटी फॉर यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर द डे. रब रखा.